आईएस पूजा सिंघल प्रकरण में हर दिन एक नए मामले सामने आते हैं और कई लोगों के नाम पूछताछ के दौरान सामने आ रहे थे। वहीं आज ईडी के द्वारा रांची के विभिन्न जगहों पर बात करें तो दुर्गा बिल्डर्स है और जो विनायक ग्रुप है वह उनके और उनके जो प्रोप्राइटर हैं विशाल चौधरी उनके आवास पर ईडी लगातार सुबह से छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब रांची में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और जो लोग अवैध खनन और सेल कंपनी में काली कमाई को सफ़ेद कर रहे थे उन लोगों पर ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि आईएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से लंबी पूछताछ चली थी। वहीं उसके बाद आईएस पूजा सिंघल और दो जिलों के डीएमओ से कल की बात करें तो 12 घंटे से अधिक समय तक ईडी कार्यालय में पूछताछ चली थी, जिसमें अवैध खनन के वसूली किए गए पैसे की लेन देन का मामला सामने आया था। इस मामले में कई लोगों का नाम डीएमओ ने ईडी को बताया था, जिस पर आज सुबह होते ही ईडी ने रांची के विभिन्न जगहों पर बात करें तो 6 ठिकानों पर जो पूजा सिंघल के करीबी हैं उनके यहाँ छापेमारी कर रही है। विशाल चौधरी की अगर बात करें तो इनका आवास अशोक नगर के रोड नंबर 6 में स्थित है और बताया जाता है कि यह आवास जो है यह भी किराए पर है और एक मोटी रकम यह मंथली के तौर पर भुगतान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी इनके आवास के अंदर भी गाड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ियां लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो यह अवैध धंधा चल रहा था इसमें संलिप्तता इनकी रही होगी। अब ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर क्या कुछ अंदर जो छापेमारी के दौरान क्या दस्तावेज मिले और क्या कई लोगों के और भी नाम अभी आना बाकी है। तो जैसे ही 6 मई को आईएस पूजा सिंघल और उनके 20 ठिकानों पर ईडी ने दबिश बनाई थी, छापेमारी की थी, उसके बाद सीएस सुमन कुमार के आवास से 18 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ईडी ने बरामद की थी। उसके बाद सीएस सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था और उसके 2 दिनों के बाद पूछताछ के बाद आईएएस को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं यह मामला मनरेगा घोटाला से शुरू हुआ था और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन तक पहुँच गया। अवैध खनन मामले में लगातार जो है ईडी विभिन्न जिलों के डीएमओ को तलब कर रही है और पूछताछ कर रही है। पहले साहेबगंज, दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ चली, वहीं अब कल की बात कर तो रांची और साहेबगंज के डीएमओ से 12 घंटे पूछताछ चली थी। इस दौरान कई अवैध खनन मामले में बड़ी मोटी रकम जो थी उसे किस तरह से कहां खपाना था इसे लेकर जानकारी डीएमओ के द्वारा ईडी के पदाधिकारियों को दी गई थी और वह पैसे की रकम कहाँ कहाँ जा रही थी जो अवैध खनन के दौरान वसूली की गई थी। और कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन एंड विनायक ग्रुप है और दुर्गा बिल्डर्स, इन दोनों के आड़ में जो है ब्लैक मनी को सफ़ेद करने का काम किया जा रहा था। तो इसी सब मामले में अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी और भी कई लोगों के नाम सामने आना बाकी है। आप ईडी से जुड़ी हर खबरों के लिए बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।